तो यार वेलकम टू आवर चैनल, आप सभी को वेलकम। सबसे पहले तो मैं सभी का थैंक्स कहना चाहूँगा जिसने इतना सपोर्ट किया। हमारे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस पहले ये बात कही थी कि डाइस गेम, इस बार भी जो डाइस इवेंट आया है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा और मैं बताऊँगा कि कितने मैंने कलेक्ट किए। अच्छा, मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं उसकी एक कंपाइलेशन वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये टोटल एक घंटे से भी ऊपर की वीडियो बनी थी। अब मैंने इसका किया ही है बेसिकली कि मैंने इसको कट कर दिया और कट करके मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में कुछ साइट्स जो है ना, बेसिकली मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में चलाने वाला हूँ और कुछ मैं कट करके तुम्हें दिखाऊंगा ताकि ये 13-14 मिनट की बने। एक घंटे की मुझे पता है कोई नहीं देखेगा इवन मैं ख़ुद भी इसे ना नहीं कर पाऊँगा एक घंटे की वीडियो को। तो सिंपल हम ये करने वाले हैं कि डाइस यूज़ करेंगे, देखते हैं कितने रूबीज़ हम कलेक्ट कर सकते हैं टोटल। अच्छा, मैंने जितने भी डाइस हैं मैं बता दूँ, ये मैंने कार्ड डंजन में फार्म किए थे और कार्ड डंजन में मैंने इस बार ये नोटिस किया कि जितने भी ऊपर वाला मतलब टीयर्स है ना, मतलब जो हायर टीयर्स हैं, जितने भी हायर टीयर्स थे उसमें हमें कार्ड जो है ना 6-स्टार कार्ड्स वो नहीं मिल रहे थे। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है और तुम्हें काफ़ी अजीब सा लगेगा कि हमें जो 6-स्टार कार्ड्स थे वो हायर टीयर में नहीं मिल रहे थे जबकि लोअर टीयर में मिल रहे थे, मतलब टीयर 5 टीयर 6। और ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ थी। मैं फुटेज तुम्हारे साथ शेयर करता लेकिन तुम खुद भी ये चेक कर सकते हो। मतलब मेरे साथ तो ऑलमोस्ट ये हुआ है हर बार कि मतलब जितने भी मुझे 6-स्टार कार्ड्स हैं ना वो लोअर टीयर में, मतलब नीचे वाले टीयर्स में मिले, और हायर टीयर में ये है कि CP भी तुम्हारी जो ज़्यादा जाती है, CP बोल रहा हूँ, AP बेसिकली तुम्हारी ज़्यादा जाती है, तो ये चीज़ भी देखना। अच्छा, AP तुम ज़्यादा खर्च करो या कम खर्च करो, मतलब हायर टीयर पे करो या तुम लोअर टीयर पे करो, लेकिन जो डाइस थे ना वो तुम्हें एग्जैक्ट सेम ही मिल रहे थे। ये चीज़ मतलब वियर्ड थी लेकिन नेटवर्क वालों ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। अच्छा, मेरी फर्स्ट रोटेशन कम्प्लीट हो चुकी है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा कट किया हुआ है फर्स्ट रोटेशन को, क्योंकि तुम लोग बोर हो जाते हैं अगर मैं इसको पूरी दिखाता ना, ऑनेस्टली मैं ख़ुद भी बोर हो जाता। तो बेसिकली सिंपल ये करते हैं कि इसको कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें कितने रूबीज़ मिल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, देखो कि जितने भी मतलब कार्ड डंजन है ना, कार्ड डंजन, उसके अंदर सिंपल ये चीज़ थी कि तुम्हें डाइस तो मिल रहे हैं लेकिन तुम्हें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, और एक्स्ट्रा तुम्हें 6-स्टार कार्ड मिलेगा जो, या फिर तुम्हें वो मटेरियल मिलेगा ट्रांसेंड के लिए, लेवल अप करने के लिए। तो मेन मैंने इसी पे फोकस किया था कि मुझे 6-स्टार कार्ड्स मिले, अदरवाइज़ देखो इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो यहाँ से हमें टोटल 860, मतलब फर्स्ट रोटेशन में याद रखना 860 जो रूबीज़ हैं वो कलेक्ट हुए हैं। उसके बाद फिर मैंने दोबारा फार्म किया और इस बार 13,000 और कुछ डाइस जो है वो मैं फार्म कर सका था। और सेकेंड टाइम भी मैंने सिंपल वही डाइस यूज़ किए और देखते हैं कि इस बार कितने हमें रूबीज़ मिलते हैं। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ और मैं तुमसे शेयर करूं कि अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है, मतलब आई हैव फाइनली रियलाइज्ड कि मुझे BS लियोना को स्विच कर देना चाहिए, BS लियोना को मतलब एकदम से जो है ना रिप्लेस कर देना चाहिए। देखो मैं बहुत पहले रिप्लेस करना चाहता था BS लियोना को लेकिन मैं नहीं कर सका, क्योंकि पता है क्या हुआ, मैंने BS एश के लिए समन किया था और मैंने सोचा कि BS एश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग था डैमेज के मामले में, लेकिन मसला जो आ रहा था ना वो था उसकी सर्वाइवेबिलिटी, वो सर्वाइव नहीं कर पाता था, वो जल्दी डेड हो जाता था, और इस वजह से मैं BS लियोना को नहीं रिप्लेस कर सका। अच्छा, अब अकुमा जो है ना उसके पास भी जो शील्ड है ना PvE वाली नहीं है, PvP वाली है, मतलब क्रिटिकल हिट वाली शील्ड है, जिसकी वजह से एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सर्वाइवेबिलिटी पे असर पड़ता है, लेकिन इस बार शॉकिंगली ऐसा नहीं हुआ। और उसकी वजह है कि उसके पास जो है ना इम्यूनिटी है जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी मरता नहीं है। तो अगर कोई रिप्लेस करना चाहता है BS लियोना को, ये स्विच करना चाहता है, मैं रिकमेंड करूँगा कि जो नए करेक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इवन चन ली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम ईजीली इस पर स्विच कर सकते हो। देख लेते हैं कि इस बार हमें कितने मिले रूबीज़। देखो मुझे लग रहा है कि इस बार ज़्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि एक तो डाइस भी ज़्यादा थे और हमारी वो फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट रोटेशन तुम्हें अगर याद हो प्रीवियसली, तो उसमें जो है ना
वैसे ये अच्छे हैं कार्ड्स, ये जो ट्रांसेंड के कार्ड्स मिले हैं, ये कार्ड्स मुझे लगता है और ज़्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि ट्रांसेंड यार बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत रैंडम है। 1140 रूबीज़ यहाँ से मिले, और मेरे ख्याल से इसके बाद भी हमें रूबीज़ मिलेंगे। ठीक है, थोड़े से और रूबीज़ हैं वो भी कलेक्ट कर लेते हैं, 1140 एंड 220। तो ये कोई 1000, चलो लास्ट में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कितने रूबीज़ हैं, और देख लेंगे कितने रूबीज़ बने। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर वही किया कि मैं गया और मैंने जो है ना फार्म किया। अच्छा ये देखो, अब मैं नीचे वाले टीयर जो है ना, मतलब लोअर टीयर, वहाँ मैं फार्म कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सारे कार्ड्स हैं, मतलब जितने भी वो नए वाले कार्ड्स हैं ना, कोलैब वाले कार्ड्स, इवन वो कार्ड्स भी हैं। अच्छा, मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई कि मैंने पहले ये फार्म किया और पहले अपनी एपीज जितनी भी थी ना वो सारी खर्च कर ली, वरना अगर अभी मैं करता तो हो सकता मुझे कोई एक दो कार्ड मिल जाते यहाँ से। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई, बट खैर कोई नहीं। लेकिन अभी देखो ये कि मैं नीचे वाले उसमें टीयर में फार्म कर रहा हूँ और मेरी 10 स्किप टिकट्स पे 500 APs जो हैं वो जा रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे 6 स्टार कार्ड्स भी मिल रहे हैं, और मैंने वाकई ये चीज़ देखी, नोट की कि 6 स्टार कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। बाय द वे, मैं BS लियोना की बात कर रहा था कि BS लियोना को अब रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है, और मैं सोच रहा हूँ कि अकुमा के साथ रिप्लेस करूँ। अकुमा को मैंने A3 कर दिया, और अकुमा का डैमेज आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब लिटरली BS लियोना स्टैंड नहीं करती। और हमें देखो, बाय द वे, ये 6 स्टार कार्ड मिला है हमें। यही चीज़ मैं कह रहा था कि नीचे वाले टीयर में पता नहीं क्यों, लेकिन इंटरेस्टिंगली नीचे वाले टीयर में हमें 6 स्टार कार्ड्स मिल रहे हैं। ऊपर वाले टीयर में मैंने बहुत चेक किया, लेकिन 6 स्टार कार्ड्स नहीं मिल रहे थे। और मेरे ख्याल से एक और 6 स्टार कार्ड मिला, ये भी देखो, एक और 6 स्टार कार्ड भी हमें मिला है। और ये कार्ड जो है ना, ये बिल्कुल भी ख़ास काम के नहीं है, मतलब इन्हें तुम यूज़ नहीं करोगे, इन्हें ट्रांसेंड के लिए रखा करा करो। मतलब ये कार्ड पूरी तरह से यूज़लेस नहीं है, ये कार्ड ट्रांसेंड के काम आ सकते हैं। बाय द वे, मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने नया चैनल, अपना सेकंड चैनल बना लिया। अगर तुम में से किसी को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, सेकंड चैनल बना दिया, उसे जाओ जाके चेक करो। और हाँ, तुम मुझे रिकमेंड कर सकते हो अगर तुम कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो, या फिर तुम क्या प्रेफर कर रहे हो, तो वो मेरे नए चैनल पे, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस चैनल पे जाओ और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता दो कि तुम क्या देखना चाहते हो, कोई हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक हो जिस पे तुम चाह रहे हो वीडियो में बनाऊँ। इंटरेस्टिंग देखो, मैं इंटरेस्टिंग बनाऊँगा, फ़नी बनाऊँगा, कुछ कॉमेडी करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा फार्म किया, तुम देख सकते हो 17,000 डाइस हुए हैं, 17,400 डाइस। और इस बार जो मैंने फार्मिंग की है ना, बस समझ लो कि मैंने बहुत सारे APs खर्च किए हैं। मतलब ये सिंपल ये है कि तुम APs के ऊपर है ना रूबीज ले रहे हो, सिंपल ये मेथड है कि तुम यहाँ पे AP खर्च कर रहे हो और AP पे तुम्हें रूबीज मिल रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम तो मैं सोच रहा हूँ कि इससे ज़्यादा जो है ना डाइस फार्म करूँगा, और इससे ज़्यादा APs सेव करके रखूँगा। तो मैं तुम लोगों को भी ये रेकमेंड करूँगा कि जब भी ये डाइस इवेंट आए ना, क्योंकि अक्सर लोग देखो मुझसे पूछते हैं, मुझसे मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन पूछने जाने वाला सवाल, क्वेश्चन जो है ना वो यही है कि भाई इतने रूबीज़ कहाँ से आते हैं, रूबीज़ कैसे मैं कलेक्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल ये बता रहा हूँ, इस बार तुम देख सकते हो कि काफ़ी रूबीज़ हुए हैं, मुझे मैंने नोट नहीं किया कितने रूबीज़ हुए हैं, लेकिन 430 या पहले भी 400 या इस तरह से पूछते 500 टोटल। लास्ट में मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा कि कितने रूबीज़ जो हैं वो, या तुम पॉज कर करके इसे नोट कर सकते हो कि कितने रूबीज़ हमें मिले। तो टोटल जो हमें रूबीज़ मिले, अच्छा इसके बाद जो हमने ये ओपन किए थे इसके अंदर हमें मिले थे सोल टोकन्स, और सोल टोकन्स को बेसिकली क्या किया मैंने यहाँ पे स्किप टिकट से यूज़ किया। 77 सोल टोकन्स यहाँ पे मिले थे, और हर एक सोल टोकन पे 100 डाइस मिलते हैं। ये भी एक रीज़न था कि मैंने इन बॉक्सेस को लास्ट वीडियो के अंदर ओपन किया था। मतलब तुम सोच रहे होगे कि मैंने किसके लिए ओपन किया था, मतलब रूबीज़ के लिए तो किया था डेफिनेटली, लेकिन हमें एक्स्ट्रा रूबीज़ भी मिल रहे हैं,
क्योंकि देखो इसमें हमें मिल रहे हैं सोल टोकन, सोल टोकन हमें हम यहाँ पे स्किप टिकट से यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हम मिले लेंगे डाइस और डाइस हमें बेसिकली रूबीज देंगे। तो ये घूम फिर के ये वाला कैलकुलेशन थी, दैट्स द रीज़न कि मैंने इसको इस वजह से ओपन किया था। और अब देखते हैं कि हमें कितने डाइस कलेक्ट होते हैं। देखो मेरे हिसाब से अभी हमें हर उस पर अगर 100 मिल रहे हैं तो 7700 जो है हमें डाइस मिले, और अब इसके ऊपर हमें फिर रूबीज़ मिलेंगे। तो टोटल इस तरह से हमें जो है ना रूबीज़ बढ़ते जाएंगे, रूबीज़ कलेक्ट होते जाएंगे। और हाँ, मैं ट्रांसेंड के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, मेगा ट्रांसेंड करेंगे, मतलब अल्टीमेट लेवल वाला ट्रांसेंड करेंगे। मैंने इससे पहले ट्रांसेंड किया था 4-स्टार कार्ड के ऊपर, और वो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था। मतलब तुम सोचोगे हंसोगे कि भाई 4-स्टार कार्ड, उसके बाद ट्रांसेंड किया। अच्छा बाय द वे, लास्ट वीडियो में या शायद उससे पहले वाली वीडियो में मुझे मनीष ने ये बात बताई थी कि जो एम बाइसन है, एम बाइसन को हम एसएस जेनेरिक मेमोरी से अब लेवल अप कर सकते हैं, उसके मतलब अवेकिन कर सकते हैं। यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आई मीन मेरे साथ ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? मतलब मैंने ट्राई किया, तुम लोगों के सामने ट्राई किया, लेकिन वो शो ही नहीं कर रहा। एम बाइसन एसएस जेनेरिक मेमोरी, वो एसएस करेक्टर है, ठीक है ना। मनीष ने ये बात बताई कि भाई तुम कर सकते हो, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में उसे भी चेक कर लेंगे क्या हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। मतलब अगर कर सकते हैं तो बहुत सही है, क्योंकि देखो वो एक एसएस करेक्टर है और एसएस जेनेरिक मेमोरी मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई है, तो मैं उसे 3-स्टार तो एटलीस्ट कर ही सकता हूँ। मेरे पास उसका 3PG भी है, करेक्टर भी है, 3PG भी है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि यार मनीष बोल रहा है कि वो कर सकता है, तो अगर तुम लोग भी कर सकते हो तो यार बताओ कमेंट सेक्शन में। मतलब मेरे साथ गड़बड़ हो रही है। मुझे लग रहा है नेट मार्वल वालों को मुझसे जलन हो रही है, क्योंकि मैं रूबीज़ पे रूबीज़ कलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने थोड़े और डाइस जो है ना फार्म किए थे, और मैंने टोटल और 60 रूबीज़ और कलेक्ट किए, तो टोटल कुल मिला के मैंने अच्छे खासे रूबीज़ कलेक्ट किए थे। स्टार्टिंग में 860 रुपीज़ कलेक्ट किए थे, उसके बाद 1360, फिर उसके बाद 1960, फिर 990 और फिर लास्ट में 60 रुपीज़, टोटल 5230 रुपीज़। अब तुम अंदाज़ा लगाओ 5230 रुपीज़, और उससे पहले भी हमने काफ़ी सारे रुपीज़ कलेक्ट किए थे प्रीवियस वीडियो में, तो टोटल 9,000 से 10,000 रुपीज़ कलेक्ट किए हैं। अब तुम इससे अंदाज़ा लगा लो कि हमारा क्या लेवल जा रहा है इस बार ना। तो यही बेसिकली मेरे कहने का मकसद था कि हम इस बार रूबीज़, देखो रूबीज़ की कोई कमी नहीं है, नेट मार्वल वाले हमें काफ़ी ज़्यादा रूबीज़ फार्म करने के लिए दे रहे हैं। बस इसके लिए सिंपल यही है कि तुम लोग बस ये कि फार्म के लिए कोई भी चांस अगर आता है तो उसे मिस मत करो। और हाँ, बाकी यही है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे सेकंड चैनल को जाके ज़रूर चेक करो, उसे भी सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में जाओ सेकंड वाले चैनल के और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चेंज करना है, तुम क्या बेहतर चाहते हो कि वो मैं ऐड करूँ, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, बहुत जल्दी ट्रांसेंड की वीडियो भी आने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 24 सब्सक्राइबर्स हैं और हमें 50 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट रीच करने हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।